जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है वो है हमारी लाभ तथा हानि की और लाभ हानि से जुड़े हुए सवाल। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं अगले टाइप से। तो आज का जो टाइप है हमारा वो है जब किसी वस्तु या जब कोई वस्तु जो है वो कई बार खरीदी जाए और बेची जाए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को ये भी कहूंगा जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं कि साथ साथ में ट्राई करना है। इसके आपके सामने तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीन प्रकार दिए गए हैं, तीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने है। हम एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, एक क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए। स्टार्ट करिए अपना अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दी। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, तो मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए पहले तो आपने ये टाइप क्या याद करना है कि किसी बंदे ने ए ने क्या किया, बी को कुछ बेचेगा, बी जो वो सी को बेचेगा, हो सकता है आगे डी भी दे दिया हो, कोई मना नहीं किया पंडित ने कि जी देना नहीं है, ठीक है जी। नंबर दो, अगर आपके पास पहले की कीमत दी है, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, पहले की कीमत जो है वो आपके पास दी होगी, पहले की कीमत क्या दी हुई है 1000 रुपया, यानी कि पहला नंबर पर है राम और आपसे जो है राम ने आगे जो है श्याम को बेची है 20% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट भी लिख लेना है बेटा आपने, ठीक है जी। उसके बाद श्याम ने आटा सहकर जो है मोहन को बेच दिया, डी ने यानी कि सी को बेच दिया लॉस लेके 10% का लॉस लेकर, और ये सी पर ही इन्होंने खत्म कर दिया कि अब बोलो मोहन की जो है ये है, तो इन्होंने डी नहीं पूछा है, डी तक भी जा सकते हैं ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है जी। तो इसका मतलब आप ये समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन जो है वो कहां आकर जो है वो खड़ा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना है, हमने 1000 रुपए का 20% प्रॉफिट बोला है, तो प्रॉफिट यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितने परसेंट होता है, 100% होता है, तो होता है 100%, तो 100 से ऊपर जा रहा है तो वो बंदा जो है लाभ ले रहा है 20%, 20% का लाभ ले रहा है, यानी कि 120, कितना 120। आगे क्या किया है, श्याम ने घाटा ले लिया और मतलब उसके अगले ने उसी चीज को आगे सेल किया, तब उसने घाटा लिया कितने का, 10% का, यानी कि बस अब इसको जो है आपने कैलकुलेट करना है और आपका आंसर जीरो के तो सी ये जीरो, ये जीरो आपका आ गया 120 × 9, तो ये आ गया आपका 9 × 1 तो 1080, कितना आंसर आएगा 1080 जो है वो इसका सही आंसर। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है आपने पढ़ाया और आप हमें तो समझ आ गया, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, मैंने पढ़ाया तो आपको समझ तो आएगा ही आएगा, मगर टाइप क्या क्या हो सकता है, एक टाइप और हो सकता है, टाइप नंबर 2 इसी का ही टाइप है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, अब मैं क्या बता रहा हूं, ए ने जो है बी को बेचा, बी ने किसको बेचा, सी को बेचा, और सी ने जो है उस साइकिल का 1000 रुपया 1000 रुपया दिया। अब जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन बोलेगा कि राम ने मोहन को 20% लाभ पर साइकिल बेची, और राम ने जब मोहन को बेची 20% लाभ पर, उसके आगे बोलेगा मोहन यानी कि बी जो है मोहन बेचेगा आगे साहिल को, मानकर चलते हैं 10% का घाटा लेकर लॉस लेकर, तो बताओ कि राम ने वो साइकिल खरीदी
तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाता है, अब पूछा है स्टार्टिंग का, साथ साथ में नोट कर सकते हैं आप। तो आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, आपने 100 बटा उल्टा कर दीजिए, 100 बटा 120, 100 बटा और गुणा। तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से जो है शुरुआती बंदे का भी आप जो खर्चा हुआ था या जिस कीमत पर उसने खरीदा था उसको भी निकाल सकते हैं। ये का तरीका रहेगा, ये टाइप भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये भी चीज जो है वो क्लियर हुई। इसी में ही एक टाइप और होता है बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको क्लियर कर रहा हूं, साथ साथ में ही क्लियर करूंगा। इसमें एक टाइप और है, टाइप नंबर थर्ड में लेके चल रहा हूं। टाइप नंबर थर्ड क्या है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर थर्ड, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा करके भी लिख देता हूँ, चाहे आपका आ जाएगा 100/3 और 100/3। टाइप नंबर थ्री क्या है, टाइप नंबर थ्री इसमें क्या है, ए ने 1,000 रुपये की साइकिल ली के लिए 1,000 रुपये और बी को बेच दी, कुछ प्रतिशत लाभ लेकर। क्या बोला है, कुछ प्रतिशत लाभ लेकर, पर इसका प्रतिशत नहीं दिया है, इसका मतलब वही निकाल। और बी ने सी को 15% लाभ पर बेच दी या हानि पर बेच दी, अलावा तो कुछ और कर। सी ने उसका मूल्य जो है वो 2,000 रुपया दिया है मानकर चलते हैं, तो बताओ कि ए ने बी को कितने प्रतिशत लाभ पर वस्तु को बेच। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 1,000 100 जमा x/100 जाएगा। ये प्लस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट है और 100 में ही प्लस होगा, 100 में ही माइनस होगा, इस वजह से हमने 100 प्लस x। आगे मल्टीप्लाई 115/100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2,000। ये लास्ट का है, हमने पहले हमने डायरेक्ट उल्टा किया था। इस प्रकार से जो है हम ये तीनों टाइप जो है वो हमें दिमाग में रखने हैं। से पहला इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी कोई वस्तु बार बार खरीदी और बेची जाएगी तो यही टाइप बनते हैं, तीन प्रकार के, तो हमें ये नोट करने हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सभी जो है इस वीडियो के साथ साथ में जो है वो नोट भी कर लेंगे बच्चे। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहां से, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है आप, थर्ड नहीं ये तीसरा वाला, ये दूसरा जो है वो डिटो पहले की तरह ही है, ठीक है जी। तीसरे क्वेश्चन को अभी आपको बता रहा हूं। सब क्वेश्चन क्या है, ए ने एक वस्तु बी को 10% प्रॉफिट पर बेची। देखिए मैंने जो समझाया, ए ने बी को कितने प्रॉफिट पर, 10%, कितने परसेंट, 10% प्रॉफिट। इसके बाद बी ने 10% हानि लेकर सी को बेच दिया है, हानि मतलब लॉस, सी को बेचा है। सी ने क्या किया, डी को बेचा है, आया ना चौथा भी, डी को कितने पर बेचा है, वो 20% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट आ जाएगा आपका डी। और डी यदि सामान को 8,000 रुपये में खरीदा तो बताइए डी का मूल्य दिया है 8,000, आप बताएं कि ए ने वो कितने रुपए में खरीदा, यानी कि स्टार्टिंग वाले का मूल्य, यानी कि टाइप चला गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले 110
सौ, क्योंकि लास्ट वाले का है 100 ओवर 110, 100/90, 100/1 और गुणा 8, 0 से 0 गया इस 0 से, ये वाला 0 और इस 0 के बराबर से ही गया। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तीये 12, 2 आया, 2 4, 3, क्या आंसर आ जाएगा इसका? आपने ये ट्राई करना है साथ साथ में सभी ने। तो हाँ जी, 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया ना, 99 नहीं होते। क्या आंसर आएगा? आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है आपने, तो आंसर आ जाएगा आपका 6734, 6734 ये आपका आंसर आना चाहिए, लगभग आएगा, लगभग आएगा, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए, यानी कि जब व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर मोर और लेस, कम या अधिक पर जब हम बेच रहे हैं किसी चीज को, तब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे? देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। When sell his goods at 10% profit, if he had sold it at 15% profit, he would have got 2 goods. Find the cost price. मतलब एक आदमी एक सामान को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक क्रय मूल्य प्राप्त करे, का जो क्रय मूल्य वो क्या होगा? तो क्या होगा क्रय मूल्य, वो हमने निकाला है। तो मैंने बताया है हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%, कितना होता है, 100%। तो उस व्यक्ति ने जो है से कितने पर प्रॉफिट पे बेचा है, कितने प्रॉफिट पे बेचा है, 10%, यानी कि 110। मगर उन्होंने बोला है अगर वो 15%, यानी कि 115 हो गया, 15% लाभ बोला है, तो लाभ हुआ तो 100 में प्लस कर दिया, अगर हाँ नहीं बोलते तो क्या बोलते, माइनस कर। अब बोला है अगर वो 15% लाभ पर बेचता है, तो यानी कि इतने पर नहीं बेचता, इतने पर बेचता, यानी कि डिफरेंस कितने का बचा, 5 का बना, कितने का बना, 5 का, जो कि 200 रुपये के बराबर है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर वो 5 ज्यादा बेच देता उसको 200 रुपये ज्यादा मिलते, अधिक मिलते, तो हमारा 1%, यानी कि 1% कितने के बराबर हो गया, 5 के 20, 40 के बराबर। तो हमें मालूम है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होता है, 100% होता है। दोनों साइड से बचा क्या कर लेना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर कितना आ गया, 4,000, कितना आंसर आ गया, 4,000। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये रहेगा पहले सवाल। इसी प्रकार से एक और सवाल उठा लेता हूं मैं, चाहे दूसरा ही सवाल उठाता हूं, सभी प्रकार ऐसे ही हैं। वीडियो को साथ साथ में देखते देखते आपने जो है इन क्वेश्चंस को आंखों से ही ट्राई कर लेना है बच्चों, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है महेश, महेश ने एक घड़ी 10% पानी पर बेची, मतलब सबसे पहले तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। अब घड़ी जो है वो 10% हानि पर बेची, यानी कि नुकसान पर बेची है, तो इसका मतलब 90, इसका मतलब 90। और उसने उसके बाद फिर से घाटे पर ही बेची है, यानी कि 5% घाटा, यानी कि 95। ठीक है, फिर भी उसको 60 रुपए ज्यादा मिले, वो इसलिए मिले क्योंकि उसने 5% ज्यादा फिर भी रखे जो उसने पहले बेचे थे। तो हमारा 5 जो परसेंट है वो इक्वल हो गया 60, यानी कि 60 के बराबर। मेरा 1% हो गया 12 के बराबर। तो हमारा परसेंटेज कितना होता है 100%। दोनों साइड जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को जब भी हम 100 से करेंगे क्या होगा, वही होगा कि हमारा कितना आंसर आ गया, तो हमारा 100 कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि हम, मगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि महेश ने ये घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, तो महेश ने ये घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, तो उसने कितने में खरीदी थी, तो उसने ये जो है कितने रुपए में खरीदी थी 1200 रुपए में खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी 1200 रुपए में खरीदी थी, तो ये इसका सही आंसर होगा, क्या होगा 1200 इसका सही आंसर होगा, कि उसने कितने में खरीदी थी वो घड़ी जो है उसने महेश ने 10% हानि पर बेची और उसके बाद फिर से बेची और खरीदी कितने में थी 1200 में, उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी 1200। ठीक है जी, इसी प्रकार से आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपने सभी ने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है, ये टाइप चलता है हमारा प्रतिशत चैप्टर से, यानी कि परसेंटेज से मैंने पढ़ाया हुआ है परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर में क्या पढ़ाया था आपको, कम या अधिक वाले क्वेश्चन पाए हैं, ये भी वही है। देखिए एक दुकानदार दो टीवी एक ही मूल्य पर बेच, यानी कि एक ही रेट पर बेचने का बोल दिया उसने, 30% उसने प्रॉफिट कमाया, दूसरी बार उसने लॉस लिया 20 का ही, और दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या। तो कई बच्चे जो हैं या कई टीचर्स जो हैं वो इस क्वेश्चन को बड़े भांति भांति से बोलते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा बताई हुई है वो भी याद रख सकते हैं। बेटा जी एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, लॉस हुआ है तो माइनस, तो हमारा 20 प्रॉफिट का आ गया और वाई हमारा माइनस का आ गया क्योंकि ये घाटा हो रहा है। अब हमारा फॉर्मूला आपको मालूम है कौन सा, बच्चों याद रखिए, एक्स प्लस वाई एक्स वाई ओवर 100। कई बुक्स में जो है ना वो डायरेक्ट ही लिखा होता है एक्स स्क्वायर ओवर 100, ठीक है, वो गलत है क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है एक्स स्क्वायर ओवर 100 क्या है, इसलिए मैं इसको इग्नोर मारने के लिए आपको जो है अपनी सलाह देता हूं कि उन किताबों को मत देखिए जिन्होंने ये इस तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है, आपको इसी प्रकार से करना है क्योंकि से हमें बार बार जो है क्वेश्चंस याद करने की जरूरत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी होगी 20, y की वैल्यू कितनी होगी बच्चा -20, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर प्लस की जगह आ गया 20, फिर से 20 मल्टीप्लाई 20 ओवर 100। अब वो क्या बोला था, वो ये बोला था, ये देखो 20 से 20 गया और 20 क्या है सेम है, इसलिए उन्होंने उसको क्या मान लिया एक्स स्क्वायर, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। मगर अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और नहीं है तो कितना आ गया 400 ओवर 100, यानी कि 0 से 0 गया -4,
यानी कि 4% की हानि लॉस, क्यों? माइनस में आया है, यही मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन जो है वो माइंड में बैठ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि 99 रुपए में बेचता है सर, इसका क्या करना है, मुझे आइडिया लग रहा। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ हानि बताएं। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से चलना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को भी। एक्स की वैल्यू बच्चों 99 को भूल जाओ, ठीक है, माइनस 10, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस के 10 जी। तो हमें फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100 ही रहेगा। तो एक्स की वैल्यू माइनस 10 प्लस के 10, माइनस 10 गुणा 10 बटा 100, 0 से 0 के ये दोनों, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बेटा, माइनस 1, 1% का, कितने का, 1% का घाटा है, लॉस। ये था अगला टाइप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस का जो ये वाला भी टाइप आपको क्लियर हुआ होगा, इस टाइप को भी आपने जो है माइंड में अगले टाइप की तरफ चलता हूं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सम आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सम अदर आर्टिकल। क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर सोल्ड 15 पेंस फॉर द सेम रूपी एज अबाउट 20 पेंस, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय शॉप। कहता है, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमे खरीदी उतने ही मैं भी 15 कलमे बेची, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आंखों से ही एक क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, 20 कलमे खरीदी, खरीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद क्या दिया, 15 कलमे बेची, यानी कि बेचने को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और दुकानदार को लाभ हानि बताना है, तो सीपी ओवर एसपी, यानी कि 15/20, 5 × 15, 5 × 20, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 1 का, यानी कि बंदे ने 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच दी, 3 रुपए की अगर 4 रुपए में बेच दी तो इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब ये कि लाभ हमें हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ प्रतिशत का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट हुआ 1, कॉस्ट प्राइस उसकी 3, और गुणा हो गया 100/3, इसका मतलब 33 सही 1/3 क्या हुआ, ये था इसका प्रश्न, बहुत बार कॉम्पिटिटिव है पूछा जाता, बहुत अच्छे से जो है वो तैयार करना चाहिए, जो कि हमारे बहुत ही लाभदायक। अगला सवाल, 2 नंबर सवाल है, एक बनिया ने जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसी वस्तु के 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर कर दी, सेम सवाल रहेगा बच्चों, और बनिया का प्रतिशत या हानि, लाभ हानि ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है।
देखिए ध्यान से सुनिएगा, 25 वस्तुएं हैं और उनका जो सीपी है वो 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इसका मतलब पी ओवर एसपी जो है क्रॉस में ले लेना आपने 18/25 के बराबर। कटते हो तो काट दो, नहीं कटते हैं तो क्या करते हैं? ये है कीमत सीपी, यानी कि 18 रुपए की चीज 25 रुपए में बेच दी, 18 रुपए की चीज 25 रुपए में बेच दी। इसका अर्थ यानी बंदे को कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ जल्दी से बताइए। 18 की चीज 25 में बेच रहे हैं, 7, कितने का हुआ? 7 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 9 18 5 10 35, 350/9 ठीक है जी, और साथ में ब्रेक करके लिखना है तो 38 सही 8/9 लाभ प्रॉफिट। तो इस प्रकार से जो है ये टाइप जो है वो कवर होता है बच्चों। आई होप कि आप सबको ये जो क्लास है ये बहुत अच्छी लगी हो, और इसी क्वेश्चंस को और ठीक टाइप्स को हम बढ़ाते हुए जाएंगे। आप नेक्स्ट क्लास के लिए फॉरवर्ड होइए, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।